अबू धाबी में शक के आधार पर पूछताछ के लिए रोके गए नोएडा के कारोबारी प्रवीण शर्मा की घर वापसी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अबू धाबी पुलिस को प्रवीण की शक्ल देखकर किसी अपराधी का संदेह हो गया था और इसीलिए उन्हें वहां पर रोक लिया गया था, जबकि साथ गई उनकी पत्नी को अधिकारियों ने भारत वापस भेज दिया था। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई ने बताया कि प्रवीण के परिजनों ने शासन से उनकी रिहाई और वापसी की गुहार लगाई थी और वापसी के बाद प्रवीण ने बताया कि क्या कुछ वहां पर हुआ। प्रवीण ने बताया कि पहले एक बार हिरासत में लेने के बाद वहां की सीआईडी ने मुझे छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ लिया। वहां मुझे रात भर रोके रखा, मुझ पर दबाव डाला गया कि जो अधिकारी कह रहे हैं मैं स्वीकार करूं कि मैं कोई और हूं। फिर किसी दूसरे शहर ले जाकर भी कई सवाल किए गए। मैं इस मामले में तत्काल कदम उठाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद करता हूं। तो प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ था, सीधा उनसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी तो प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रवीण वर्मा जी, क्या कुछ वहां हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा, और आप गए थे अपनी वाइफ के साथ, आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप वहां पर पहुंचे थे, क्या एक टूर पे गए थे, क्या कुछ हुआ, आपकी जुबानी समझेंगे। मैं स्विट्जरलैंड के लिए जा रहा था जी, स्विट्जरलैंड। मुझे अबू धाबी से दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी 3:15 पे, ट्रांजिट में था मैं वहाँ पे जी। उन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ के अरेस्ट किया। मैं जब तक प्लेन से उतरा नहीं था तभी वो सीआईडी के अफसर आ गए, उन्होंने मुझे अरेस्ट करके अपने सेल में ले गए कि आप ये एक्सेप्ट करिए कि आप यही हैं, ये प्रवीण कुमार जिसने वहाँ पर क्राइम किया था 2015 में जी। वो उसको वहाँ पे ले जाके उन्होंने मुझे कई बार पूछा कि भाई आप नहीं, आप एक्सेप्ट करिए ये ही हैं आप झूठ बोल रहे हैं, पुराना पासपोर्ट दिखाइए आप अपना, कहाँ है आपका पुराना पासपोर्ट। मैंने कहा नहीं। उन्होंने मेरी आंखों का टेस्ट किया, मैंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है पुराना मेरे पास। उन आँखों का टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि गुड, तो मुझे मेरा पासपोर्ट लौटा दिया। नेक्स्ट जब मैं वापसी चेक इन के लिए जा रहा था फिर से मुझे उन्होंने चेक इन गेट पर फिर से मुझे गिरफ्तार किया। वहाँ पे 4-5 अफसर आ गए सीआईडी के, उन्होंने मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर मैं नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं माने। तो आपने पूछा नहीं कि अचानक उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी रात अपनी वहाँ ऐसा संदेह क्यों हुआ, कुछ पूछा आपने उन लोगों से? मैंने उन्होंने पूछा कि आपकी जो फेस है इससे मैच करता है जो ये प्रवीण कुमार है तू आप, तो मैंने कहा मैं नहीं हूँ। उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, ये फोटो मेरे से मैच नहीं करती। तो ये जब सब कुछ हुआ है जो घटना सामने आई उस वक्त आपके साथ और कौन कौन था? उस समय मेरी मिसेज मेरे साथ थी, मिसेज मेरे साथ थी, बाकी मेरा जो टूर का ग्रुप था वो चला गया था, मिसेज मेरे साथ थी। तो मिसेज से मैंने कहा कि आप जाओ, हो सकता है मुझे अब समय लग जाएगा तो आप जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन मुझे यहाँ लगेंगे। तो लेकिन मुझे अंदाजा था कि मुझे हफ्ता भर भी लग सकता अब, क्योंकि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं ऐसे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपको ना हम पहले उन्होंने मुझे मॉर्निंग में लोडिंग सेल में भेजा कहीं दूसरी जगह, उसके बाद मेरा केस जो प्रवीण कुमार वो मेरे को डिटेन तो मुझे कर लिया था, लेकिन जो प्रवीण कुमार था तो उसका जो केस था वो रसल खेमा वहाँ से 250 से 300 किलोमीटर दूर था अबू धाबी से। मुझे वहाँ नेक्स्ट डे मैं 5 से 6 घंटे सफ़र करके वहाँ गया, मुझे अपनी वो वैन में ले गई, वैन में ले जाके उन्होंने मुझे वहाँ भी एक सेल में डाला पूरी रात में रहा। लेकिन मैंने वहाँ 4 से 5 दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह सब वहाँ देते थे। उन्होंने मुझसे वहाँ भी फिर पूछताछ की, वहाँ के अफसर मेरे पास आए। नेक्स्ट डे वो मुझे फिर अपनी जुडिशरी जो वहाँ के जज हैं उनके सामने उन्होंने मुझे पेश किया फ्राइडे को। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप प्रवीण कुमार हैं, आपने कंपनी खोली थी, आपने क्राइम किया है और यू हैव सक्टिव। मैंने कहा नो आई एम प्रवीण कुमार, माय फादर नेम इज़ श्री राजेश्याम कौशिक, मदर नेम इज़ माया देवी। कहें नो, ये फाइल ये फ़ोटो वहाँ पे एक्चुअली अरबी बोलते तो वहाँ पे ट्रांसलेटर था। उन्होंने पूछा आप किस भाषा में बात करेंगे, मैंने हिंदी में, हिंदी में मैंने उनसे बताया कि मैं प्रवीण कुमार हूँ, ये मुझे गलत फंसाया जा रहा है इसमें और मुझ पर अधिकारी आपके दबाव बना रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करिए। फिर उन्हें वहाँ पे अच्छा किया, जो प्रवीण कुमार था जिस पर वो चार्जेस थे जो सेक्शन उस पर लगाया हुआ था वो वहाँ पे जेल में बंद है। तो ये प्रवीण कुमार फिर इंडिया कैसे गया और वहाँ से वापसी कैसे आ गया यहाँ पे? तो कन्फ्यूज जुडिशरी
जो वहाँ के जज थे वो भी एकदम कंफ्यूज हो गए। तो वहाँ पे उनमें 5-6 लोग थे, तो उनमें बहस हो गई। बहस होने के बाद वो मुझे वहाँ से फिर से लेके गई, मुझे आधा घंटा बैठाया, फिर उन्होंने कहा कि शो योर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट मेरा अबू धाबी में था, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास थी। मैंने अपना फ़ोटोकॉपी उनको दिखाया कि मेरा ये पासपोर्ट है, आप इसे देखिए। तो उन्होंने वो देख के फिर मुझसे मुझे आधा घंटा फिर पूछताछ जुडिशियल के सामने क्वेश्चन किए, जो जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने, आप सही बोलिए, आप नहीं थे, और प्रवीण कुमार आप नहीं, वो प्रवीण कुमार आप ही हैं या नहीं हैं। मैंने उनको काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट की कि मैं नहीं हूँ, आप इसमें कुछ भी करिए लेकिन मैं नहीं हूँ। उनके अफसर बोल रहे थे कि आप एक्सेप्ट करिए, ये आप हैं तो हम आपको जाने देंगे। मतलब आप पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि एक्सेप्ट कीजिए, ये प्रवीण कुमार आप ही हैं, क्योंकि आप प्रवीण शर्मा हैं, वो प्रवीण कुमार का दबाव बना रहे थे कि ये आप ही हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए, आप ही बता रहे हैं। यस यस, मेरा नाम ये, वो भी प्रवीण को उसका नाम, मेरी आइडेंटिफिकेशन मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, उसका नाम प्रवीण कुमार था, मेरा नाम प्रवीण कुमार, लेकिन फादर नेम नॉट मैच और डेट ऑफ बर्थ मैच, 20 मई 1977 उनका भी और मेरा भी दोनों। प्रवीण कुमार पर कोई जानकारी आपको मिली वहाँ पर? उन्होंने कोई अपनी कंपनी खोली थी, उसमें उन्होंने इंश्योरेंस का फ्रॉड किया था, इंश्योरेंस। तो मुझे उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ दिखाया कि ये कंपनी ओपन की थी और इसमें आपने इंश्योरेंस का फ्रॉड किया है। तो ऐसे में मतलब कितनी बड़ी ठगी थी, जिसकी वजह से जो वहाँ की पुलिस है वो ढूंढ रही थी, क्या करोड़ों की ठगी थी? वो स्कैम काफ़ी बड़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे अमाउंट नहीं बताया कि क्या था, लेकिन स्कैम काफ़ी बड़ा था वो। तो वो चाहते थे कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ और वहाँ पे उस फाइन को जमा करूँ, या मैं वहाँ सजा दूँ, मुझे सजा हो। ठीक है, तो आपकी पत्नी आपके साथ थी क्या? अभी बिजनेस टूर पे थे या आप खुद ही ट्रिप पर गए थे अपनी पत्नी के साथ? आपकी पत्नी को वापस भेज दिया गया था, ऐसी जानकारी थी? मैं अपनी, हाँ यस, मैं अपनी पत्नी के साथ वेकेशन के लिए गया था 4-8 डेज के लिए स्विट्जरलैंड, लेकिन इन्होंने बीच में मुझे रोक लिया। मैं कंपनी से अंबुजा सीमेंट में डील करता हूँ, तो उसी कंपनी की तरफ से मैं गया था, लेकिन 8 दिन के लिए। ठीक है प्रवीण जी, हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पर आपने कौन कौन सी ऐसी परेशानी झेली, क्योंकि आप वहाँ पर थे, आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर हम रख रहे हैं जनता के सामने। और आपके परिवार की सदस्य यानी कि आपकी पत्नी जब वापस लौटी तो वो डीएम के पास गई, प्रशासन से गुहार लगाई, तुरंत इस पर एक्शन हुआ, इस पर भी आप क्या कहेंगे बताएं जरा, और एक्सपीरियंस क्या वहाँ पर रहा वो भी बताएं। वहाँ पे मेरे को जब इंटरोगेट किया गया था, मुझसे पूछताछ हुई काफी कड़ाई से, लेकिन मैंने हौसला रखा कि अगर मैंने गलत इनका ये डर के से एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे फिर यहीं रहना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू, लेकिन मेरे साथ कोई मार पिटाई उन्होंने नहीं की जी। लेकिन पूछताछ अच्छे से की, जैसे उनका रूल होगा उस हिसाब से। और मेरे को फ़ोन वोन सब मेरे बंद थे, फ़ोन उन्होंने ले लिया था, तो मेरे यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने फिर मुझे बताया, मेरे छोटे भाई से मेरी बात हुई एक बार, एक अफसर से मैंने रिक्वेस्ट की नेक्स्ट डे कि मुझे एक फ़ोन करना है, उस अफसर ने मुझे फ़ोन निकाल के दिया जब मुझे रसल खेमा जा रहा था। तो केवल एक मिनट बात हुई कि मैंने उनसे कहा कि आप ना इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्टेक्ट करो इसके लिए अर्जेंट में, और जो भी हो सकता है जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और मुझे पता नहीं है कि मैं कितने दिन में छूटूंगा यहाँ से। बिल्कुल, वहाँ पर आप रहे, आपने सब कुछ फेस किया, एक डर मन में बैठ गया होगा क्योंकि आप ट्रिप पर गए थे पत्नी के साथ, और अचानक से ऐसा होना वाकई में एक ऐसा डर बन गया होगा आपके मन में कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अब ऐसे में तुरंत सरकार की ओर से सहायता मिलना, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? यस, इसमें तो एकदम से तुरंत सरकार ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे सभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री जयशंकर जी, श्री योगी आदित्यनाथ योगी जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई जी, सांसद जी, इसमें सभी पूरा प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो गया मुझे वहाँ से निकालने के लिए। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी तेज़ी से हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार ने इतना मेरे लिए किया, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। मेरे पे तुरंत एक्शन हुआ मेरे छुड़ाने के लिए। प्रोसेस में कितना दिन का समय लगा होगा प्रवीण जी, क्योंकि आप खुद भी इस डर में थे, संशय में थे कि शायद एक लंबा जो है प्रोसेस चलेगा, काफी दिनों तक या महीनों तक भी रहना पड़ सकता है। आपने कहा एक फोन पर बातचीत हुई थी भाई के जरिए, आपके भाई से बात हुई थी आप फोन पर, एक मिनट की जो आप बता रहे थे?
यस मेरे छोटे भाई से मिनट के कॉल में आपने कहा कि प्रदेश सरकार और सरकार से आप गुहार लगाइए, तो आपको लगता है तत्काल जो है पूरी हेल्प मिलनी थी? यस मुझे पूरी, हाँ पूरी हेल्प मिली है हमें इंडियन गवर्नमेंट से, हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, हमारे डीएम सर से मुझे पूरी मिली कि इसमें मेरा पूरा एकदम वो साथ देंगे बहुत तेज़ी से। और मुझे अंदर नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन जब मुझे कभी फ़ोन एक मिनट के लिए मिला तो कोई न्यूज़ आ गई, उससे मुझे कन्फर्म होता था कि ऐसा कुछ इंडिया में चल रहा है। बाकी मीडिया वालों ने भी मेरा इतना साथ दिया कि मैं उनका आभारी हूँ। हाँ मीडिया का मेरे इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने मेरी आवाज़, मेरी पहचान सब कुछ जल्दी से जल्दी बताई। जी तो आपके परिवार से कौन गया था, अगर हम बात करें डीएम से मिलने के लिए, प्रशासन से मिलने के लिए, कौन सबसे पहले गया? मतलब परिवार के सभी लोग गए थे, क्या उनसे रिक्वेस्ट की गई, क्या कुछ कहा गया, पूरी स्टोरी बताई गई होगी उनको? यहाँ से परिवार के मेरे सभी लोग डीएम सर के पास गए, उन्होंने पूरी बात बताई कि ये ऐसे ऐसे प्रवीण जी को पकड़ा है हमारे, और इस तरह से उन्होंने वहाँ बार बार डिटेन को इंटरोगेट कर रहे हैं, आप इसमें फ़ौरन एक्शन लीजिए। तो वहाँ उन्होंने बगैर देर की डीएम सर ने तुरंत इंडियन एम्बेसी को, जहाँ भी श्री जयशंकर जी को, सबको कॉन्टेक्ट मेल से जैसे भी फ़ोन से तुरंत संपर्क किया, तुरंत एक्शन लिया उन्होंने। और इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी तेज़ी से ये काम किया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। अब इस तुरंत एक्शन के बाद आपके परिवार के लोग भी साफ जाहिर सी बात है खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत से लोग आपको लाइव देख रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से, कि मैं अपनी गवर्नमेंट से इतना कहना चाहता हूँ कि आगे से भविष्य में ये किसी के साथ ना हो, इस पर एक्शन ले उनके खिलाफ भी मेरी इंडियन गवर्नमेंट, कि ये जब वहाँ पे वो जेल में आदमी बंद है पहले से ही और मेरे नाम से कोड जनरेट हो रहा, तो ऐसा क्यों इतनी बड़ा, इसमें मुझे 4 से 5 दिन जो प्रोसेस में लगे हैं, जो मैंने एकदम से झेला, इतना सहन किया वहाँ पे, ये किसी के साथ ना हो। इसकी आप यूएई गवर्नमेंट के खिलाफ इसमें एक्शन लिए हमारी गवर्नमेंट। प्रवीण जी हम साथ में एक तस्वीर भी देख पा रहे हैं, जब आप एयरपोर्ट पर आए, इतनी मुश्किलों को झेलकर आप वहां पर आए, हालांकि आपने बताया कि इंटरोगेशन का एक जो प्रोसीजर था वो चला था, किसी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं की गई थी, लेकिन सवाल जवाल तीखे थे, उन्होंने कहा प्रेशर भी बनाया था आपके ऊपर कि आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन जब वापस आप आए हमने देखा एयरपोर्ट पर आपका स्वागत करते हुए कुछ लोग नजर आए, कौन लोग थे? परिवार के लोग थे, खुशी की लहर है परिवार में अब? हाँ परिवार के थे, मेरे मित्र थे, मेरे मामा जी, मेरे भाई, सभी पूरे परिवार के, और मेरे मित्र और हमारे सभी गांव वासी, नोएडा वासी, सभी लोग वहां पे मौजूद थे। ठीक है, तो अभी आप सरकार से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब कोई भी टूरिस्ट जाता है कहीं पर ट्रैवल करने के लिए, वहां पर कुछ गाइडलाइंस रहनी चाहिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की चेहरा उससे मिलता है तो उसे अपराधी ना माना जाए, उसे आरोपी ना समझा जाए, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आपने वो चीज फेस की है? यस, इसमें उनको ये, अगर कोई मेरा फेस किसी से मैच कर रहा है तो उनको ना अपने जो भी उनके वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है उनको तुरंत फॉलो करा जाए, उसमें प्रक्रिया 2-4-5 दिन ना हो, तुरंत वहाँ पे उसको एक्शन लिया जाए कि बायोमेट्रिक हो, जो भी हो उनका एयरपोर्ट पे हो, अगर कोई भविष्य में फ्यूचर में किसी यात्री के साथ भी ऐसा होता है तो उसको वहाँ इस तरह से डिटेन ना किया जाए जैसे मुझे किया गया, कि मुझे एक अपराधी की तरह, क्रिमिनल की तरह वहाँ पे मैं, मुझे डिटेन किया गया। अभी आप खुश हैं सरकार से जो आपके लिए हेल्प मिली? यस मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी गवर्नमेंट से, बहुत खुश कि उन्होंने इतना एक्शन लिया, और मुझे इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी, जितनी जल्दी मैं अपने घर सुखर से ला गया। मैं तो अपनी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया करता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मीडिया, हमारे डीएम सर, हमारे एमपी सर, इनका मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट, जो भी विजल ऑन विजल, जो भी लोग, सभी का समर्थन मुझे प्राप्त हुआ, मैं उनका हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ लाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा जी। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मैं 2-4 महीने से पहले आया था।
और इंडियन एम्बेसी ने जिस तरह से फास्ट काम किया है, फास्टली एकदम एक्शन वहां पे हुआ, क्या आपकी जो प्रोफाइल है वहां पर खंगाली गई थी कि आप किस प्रोफाइल से आए हैं, कारोबारी हैं, क्या करते हैं, इसको लेकर कुछ वहां पर छानबीन हुई थी क्या? इन्होंने मुझसे मेरे कारोबार के बारे में पूछा कई बारी कि आप क्या काम करते हैं, आपकी फर्म का क्या नाम है, आप क्या बिजनेस करते हैं, कब से डील कर रहे हैं, आप अपनी मुझे फ़ोटो दिखाइए, पुरानी फ़ोटो दिखाइए, 2016 से पहले फ़ोटो दिखाइए, 15 की दिखाइए। मैंने उनको सब कुछ दिखा दिया वहाँ पे, तो मैंने बताया कि मैं सीमेंट और स्टील में डील करता हूँ पिछले लास्ट 20 ईयर्स से अपने देश में, मेरी फर्म का नाम यह है, आप कहें तो मैं आपको अपना GST नंबर ये सब चीज़ मैं आपको शो कर सकता हूँ। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया।